तुम बताओ हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा। बन सकेगा। बनेगा। बड़े बड़े कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बागेश्वर धाम, मोदी जी, योगी जी, ये लोग बनवाएंगे। भारत में मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं एक पार्क में, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जो एक बड़ा डिबेट का टॉपिक बना रहता है कि हिंदू खतरे में हैं, मुस्लिम असुरक्षित हैं, इन तरह की तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा के कामों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को भाजपा का काम कैसा लग रहा है। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र में, तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। मुस्लिम भाई अच्छे व्यवहार से होना चाहिए, ये नहीं कि हिंदू को ये बोले। जैसे आपने केरला स्टोरी देखा ही होगा, केरला स्टोरी में लोगों ने क्या किया, और वही इंस्टाग्राम पे अपलोड किया गया कि आप कुछ चाहते हैं मुझसे, हिंदू लोग कुछ चाहते हैं। अच्छा, अब जब इस इंडियन भारत देश में बागेश्वर धाम जैसे लोग हैं, तो हिंदू कभी खतरे में हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग ही खतरे में है। असली बात ये, वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम कहते हैं कि हम खतरे में, मुस्लिम खतरे में है। जब तक हम ये 4 लोग हैं, तब तक ये इन लोगों से खतरा है, उन लोगों को। हाँ, इन लोगों से खतरा है। क्यों? जैसे डायरेक्टर लोग को देख लीजिए, आप केरला स्टोरी को बना रहे थे, कोई तस्वीर फाइल्स बना दे रहा, अब केरला स्टोरी 2 आएगा, जब केरला स्टोरी 2 आएगा तब तो मुस्लिम लोग की गई। अच्छा, ये जो मुस्लिम लोग की पोली खुल जाएगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं मुस्लिम खतरे में है। नहीं, मुस्लिमों का खतरा भाजपा की सरकार में, तो आज हमको हर चीज का सरकार का लाभ मिलता है। भाजपा तो हिंदू राष्ट्र बना रही है, वो हिंदू राष्ट्र बनाए चाहे कुछ करे। हाँ, हमको तो हिंदुस्तान के, हम नागरिक हैं, हमको हमारा जो हक है वो दे। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुस्लिम सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कैसे पता चला ये सब? यूट्यूब पे देखते हो? शॉर्ट्स वीडियो। अच्छा, तो वहाँ पे सब पता चलता है, लाइव चलता है, गूगल से भी सर्च करते रहते हैं। अच्छा, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ये सब देख के पता करते हो? इंस्टाग्राम ये सब नहीं चलाते। अच्छा, इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स से, यूट्यूब और गूगल। बाबा क्या कहते हैं, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला लेना जरूरी है। हाँ, तो जब आप ही जागरूक रहेंगे तो कोई आपको दबा नहीं पाएगा, और आप जब दबे रहेंगे तो सारा दबाएगा, सब कोई दबाएगा। और हिंदू दबे नहीं है। हाँ, बस हिंदू का सपोर्ट एक बार कह दें योगी जी कि जाओ, हम आपको दे रहे हैं सारा छूट, तो हिंदू आपको बता देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू दबे नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, शिवम जी लोग कहते हैं मुस्लिम खतरे में है, कहीं इसी की वजह तो नहीं कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं अभी? ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में है। हाँ, बस इस नजरिए का फर्क है। अगर आप भाड़ा ले लेंगे तो आप तो डरेंगे ना सामने वाले। तो अच्छा, हम क्या करें, जब आपको कोई वार करेगा। हाँ, तो आप भाला ही लिए रहेंगे तब। हाँ, वार करेंगे। अच्छा, कोई वार कर रहा है क्या? नहीं, कोई वार तो नहीं करे, हम कह क्या रहे हैं, जैसे कोई वार करे। हाँ, तो आप इसलिए भाला लिए जाते, कोई वार करे तो हम दिखाए। बस इसलिए योगी जी कहे, कोई आपको वार करे तो वार करिए, आपसे कोई बात करे तो बात करिए, योगी जी कहे हैं ऐसा। हाँ, अगर आप वार कर देंगे फिर जेल जाएंगे तो कौन छुड़ाने आएगा? कैसे जेल चले जाएंगे? जब पहले से हमसे मोहब्बत से बात करेंगे तो मोहब्बत से बात करेंगे, और जब वो हमको भाले से मार करेंगे हम भाले से मार करेंगे। इसलिए कहें ना, एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला, फिर भी तो जेल जाएंगे। कैसे जेल जाएंगे? अरे तो आप भाला चलाएंगे तो जेल नहीं जाएंगे? तो विपक्षी वाले तो जेल जाएगा ना साथ में। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता जेल जाए चाहे कुछ भी? जब मेरे मान सम्मान पे तो क्या बात पड़ेगा जेल, और क्या बात पड़ेगा वेल का? मान सम्मान पे आएगी तो सारा कोई लड़ जाएगा। अच्छा जी, कहें जब मान सम्मान पे आए तो कहीं भिड़ जाइए। हाँ, लोग कह रहे हैं भाजपा की सरकार में मुस्लिमों को खतरा है, आपको क्या लगता है? ऐसी कुछ नहीं है, किसी की सरकार में किसी का खतरा नहीं है, बस नजरिए का फर्क है। खतरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो सारे लोग चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने। हाँ, क्यों क्यों जरूरी है क्या हिंदू राष्ट्र जरूरी है? हाँ, इसलिए कि शायद जो केरला स्टोरी मूवी चल रहा है, लोग उसको देख के कह रहे हो। अच्छा। हाँ, और जो अभी कांड हुआ है उसको देख के लोग कह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि हो ही जाए हिंदू राष्ट्र घोषणा। हम हिंदू है तो अपने घर से कहेंगे हिंदू राष्ट्र घोषणा। लेकिन ये देश तो धर्म निरपेक्ष है। केरला स्टोरी देखे नहीं, बस सुने हैं। हाँ, क्या क्या सुने बताइए? यही कि अपने हिंदू लोगों को बहुत सताते हैं लोग। कौन? मुस्लिम लोग। अच्छा। हाँ, तो हम सुने बस देखे नहीं। जिस दिन देखेंगे तो हम भी कहेंगे, और हम तो हिंदू है भाई, हिंदू का सपोर्ट पूरा खुलेआम करेंगे।